सीआरपीएफ 133 बटालियन द्वारा एचईसी धुरवा परिसर में शौर्य दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि आज ही के दिन सीआरपीएफ ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए थे। इस मौके पर कई अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद थे। यह शौर्य दिवस सीआरपीएफ की एक महान वीर गाथा से जुड़ा आयोजन है। इसी दिन वर्ष 1965 में सीआरपीएफ के द्वितीय बटालियन की चार कंपनियों ने गुजरात के कच्छ इलाके में पाकिस्तान के एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। यह घटना सेना युद्ध के इतिहास में अनुपम कौशल और अद्वितीय बहादुरी का मिसाल है। तब से सीआरपीएफ यह दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाती आ रही है। इस आयोजन में मुख्य रूप से शहीदों और उनके परिवारों को सम्मानित किया जाता है, साथ ही साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को भी महानिदेशक सीआरपीएफ के हाथों से सम्मान मिलता है। सीआरपीएफ की महत्ता एवं उपयोगिता को समझते हुए एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। कार्य कर रही है और हम सबको विदित है कि यह बल आज विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल बन गया है। हमारे इस बल के द्वारा की गई अभूतपूर्व कार्यों की मिसाल हमेशा विभिन्न बलों के सामने रही है। इस बल के शौर्य की अद्वितीय मिसाल के तौर पर चुनौतियों से मुकाबला करते हुए हमारे बल के बहादुर अधिकारी एवं कार्मिकों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च नौचावर किया है और यह हमारा बल आज विश्व के सभी बलों में श्रेष्ठ बल माना जाता है। शुरुआत में हमारे इस बल की मात्र दो बटालियन थी और आज